दोस्तों नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं रामायण आवास है, पीछे राजा भैया का निवास है और यहाँ पे आप सबको पता होगा एक महीने पूर्व लगभग प्रयागराज के नवाबगंज क्षेत्र में एक परिवार की निर्मम हत्या कर दी जाती है, जिसमें बच्चे भी होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनको बहुत बेदर्दी से मारा जाता है और लगभग 5 सदस्यों की हत्या हो जाती है वहाँ पर। और ये मामला काफ़ी सुर्खियों में आया था, मुख्यमंत्री ने भी आदेश दिया था इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए और मीडिया ने भी मुद्दे को उठाया था। नवाबगंज में होता है, जिसमें एक परिवार कौसाम्बी में रहता है, किराए पे आके बताया जाता है कि वो प्रयागराज में ज़िले में रहते हैं और बच्चे, छोटे छोटे बच्चे और माँ बेटी पिता सबको मार दिया जाता है, ऐसा परिवारजन आरोप लगा रहे हैं। अब 1 महीने हो चुके हैं, परिवारजन का कहना है विवेचना हो रही है, उनकी मांगे क्या हैं, क्या दिक्कत आ रही है, क्या रिपोर्ट कह रही है। कई लोग उसको सुसाइड बता रहे हैं तो कई लोग ये कह रहे हैं कि ये एक साजिश के तहत इनको मारा गया है, प्रॉपर्टी का विवाद था, ज़मीन का विवाद था, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। हम आपका क्या नाम है? इस तिवारी। अच्छा, ये बताइए आप उन जिनकी हत्या हुई उनके कौन हैं आप? बड़े भाई। बड़े भाई हैं। क्या क्या हुआ था आपके नज़रिए से मैं जानना चाहूँगा, एक नज़रिए तो दूसरा भी है जो एक विवेचना में आप बता रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, आपका क्या नज़रिया, आप क्या मानते हैं और आपकी क्या मांग है एक भाई के तौर पर? हमारी मांग यही है कि सर जो है न्याय मिले उनको, और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी को लेके ससुराल वालों से इसके पहले भी विवाद हुआ था, उसमें मुकदमा भी जो है वो हुआ था, मकान और प्लाट और जो है ज़मीन 15-20 जो भाई साले से राम प्रकाश से बैनामा ली थी उनकी बहन प्रीति, और उसमें भी मुकदमा चल रहा था। जब भाई ने हमारे किसी उससे जो है गांव वाले से ज़मीन को बेचना चाहा तो इन लोगों ने उनकी हत्या कर दी। अच्छा दोस्तों, ये समस्या ये बता रहे हैं कि 5 लोगों की जो हत्याएं होती हैं उसमें हत्याओं में एक दूसरा पक्ष आप रख रहे हैं कि ज़मीनी विवाद था और साले के ऊपर आरोप लगा रहे हैं उन लोगों ने हत्या की, निर्मम हत्या की, छोटे छोटे बच्चों को नहीं छोड़ा, ऐसा क्या विवाद हो सकता है, इतना बड़ा विवाद हो गया? लूट भी हुई है वहाँ, क्योंकि हम लोगों को पुलिस वाले अंदर नहीं जाने दे रहे थे, उसके बाद में हम लोगों कहे कि पोस्टमार्टम हाउस चलो, पोस्टमार्टम हाउस हम लोग गए, उसके बाद में हम लोगों की यही मांग की थी, लूट हुई है, लेकिन जो है पुलिस वालों ने नहीं दिखाया, उसके बाद में जो है वहाँ पोस्टमार्टम हाउस में वो करके पोस्टमार्टम हुआ उनका, उसके बाद में रसूलाबाद घाट में उनका अंतिम संस्कार रात में करा देते हैं, रात में लगभग जो है 12-1 करा देते हैं। आपके भाई की पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया गया? जी जी। नन्हे बच्चे थे आपके भी, दादा दादी बुलाते होंगे, दादा दादा कहते रहे होंगे, आपको कैसा, क्या आपको न्याय की उम्मीद है, न्याय लग रहा है, न्याय हो रहा है आपके साथ? कहा जा रहा है सरकार जो है न्याय करती है, योगी सरकार है, ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूँगा 1 महीने हो रहे हैं, आपको कहीं से भी एक भरोसा बन पाया है कि आपके साथ न्याय होगा? हमें पूर्ण उम्मीद है योगी जी न्याय करेंगे, हम आए भी थे उनसे मिलने, लेकिन आज जो है सत्र के चलते नई मुलाकात हुई, OSD से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा, आश्वासन दिया कि आपके साथ जो है न्याय होगा, लेकिन जो विवेचक हैं जो नवाबगंज एसओ हैं वो पूरा जो है मामले को लीपा पोती कर रहे हैं, क्योंकि अभी जांच रिपोर्ट वहाँ से नहीं आती है सुसाइड नोट की, और जो है ये उसको जो है 306 कर देते हैं, ये विवेचना। तो इसमें साफ साफ कहना है, भाई साहब हैं जिनकी हत्या होती है, इनका कहना है कि परिवार में जब ये आरोप लगाया कि नवाबगंज पुलिस जो है लीपा पोती कर रही है, हत्या करने के बाद विवेचना में कुछ और रंग देने का प्रयास कर रही है, और इनका कहना है कि मामले को 306 में कन्वर्ट कर दिया। तो ये एक प्रकार से 61 का बयान लिया गया, ना जो है हमारे और परिवार वालों का, ना हमारे जो है गांव वालों का, ना हमारे गांव के ग्राम प्रधान का, किसी का उन्होंने नहीं लिया, सिर्फ जो है जो मुलजिमान हैं उनके गांव वालों का बयान और जो है उनके खास लोगों का ले करके और केस को जो है वो बिल्कुल जो है उन हल्का करना चाह रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया से मिलने आ रहे हैं, क्या उम्मीद लेके आए? उन्होंने मामले को सुना समझा, उनको याद आया कि मामला नवाबगंज में हुआ था, बहुत हाईलाइटेड मुद्दा था। जी जी, उन्होंने सुना और कहा हमें कि जो है आपको न्याय मिलेगा
वो मुख्यमंत्री जी से मिल करके हमारी बात को रखेंगे और जो है हमें न्याय दिलाएंगे, हमें पूरी उम्मीद है। उन्होंने कहा कि आप मुख्यमंत्री जी से इस मुद्दे पे बात करेंगे जी और न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे, ये करेंगे। आप कौन है दादाजी जी? आप उनके कौन है जिनकी हत्या होती है? उनके मामा है। मामा जी हैं। आप भी बुजुर्ग, इतना परेशान होने लखनऊ तक भाग रहे हैं जी सर, उम्मीद है कुछ मदद होगी, न्याय होगा आपके साथ, क्योंकि पूरा परिवार का परिवार खत्म कर दिया गया। सर अगर ऊपर का प्रशासन जिस प्रकार सख्त है, अगर वो चाहे तो सारा काम संभव हो सकता है, न्याय मिल सकता है, लेकिन नीचे के अधिकारी जो हैं, जैसे विवेचक हैं, जैसे वहाँ के यानी समझ लीजिए थानेदार हैं, अगर वो न्याय दिलाना चाहें तो हर चीज़ संभव हो ही सकता है, लेकिन अगर वही लीपापोती करेंगे तो कौन न्याय दिलाएगा? मतलब वहाँ आप कह रहे हैं जब छोटे स्तर पे भी लीपापोती कर दी जाएगी, सबूत मिटा दिए जाएंगे, सवाल ही उठता है। देखो परिवार आरोप लगा रहा है, जिनकी हत्या होती है उनके भाई हैं, मामा हैं, और लोगों से हम बात करेंगे, इनका साफ साफ कहना है कि जो है हत्या जिनकी होती है उनके ऊपर उल्टा ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि 306 में मामले को कन्वर्ट कर दिया गया है और विवेचना में लिखा जा रहा है उन्होंने सुसाइड नोट लिखा था, जबकि इनका सीधे आरोप प्रॉपर्टी का विवाद था, उसमें उनकी निर्मम हत्या हुई, लूट हुई, और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि उम्मीद इनको सिर्फ सरकार से है, सरकार इस पर हस्तक्षेप करे, और मांग करते हैं आपकी न्याय हो आपके जी सर। और जबकि सारे कागजात इस बात को दर्शाते हैं कि जो चीज़ है ये हत्या ऐसी है। दोस्तों छोटे छोटे बच्चे थे, लगभग मेरे ख्याल से 2-4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल ऐसे बच्चे थे, नन्हे नन्हे बच्चे। छोटी बच्चा कितना उम्र रही होगी छोटे बच्चे की? 2 साल। 2 साल की बच्ची का भी एक निर्मम तरीके से मारा जाता है, और ऐसी रंजिश जो है जहाँ बच्चे की जान चली जाती है, उसके बाद परिवार को भटकना पड़ रहा है यहाँ से वहाँ इंसाफ के लिए कि न्याय हो जाए, कम से कम एक सुकून मिल जाए। ये सुकून की मांग कर रहे हैं कि जो सच है वो सामने आना चाहिए, नहीं तो इनको भी खतरा है। मैं आपको बता दूं, इनको सुरक्षा मिली हुई है, इनको भी खतरा है, इनको भी अंदेशा है। और आप ही कुछ बता रहे थे कि इससे पहले जो आपके भाई साहब की पत्नी है उन्होंने थाने में कौसाम्बी में दिया था कि हमें खतरा है, थाने में एप्लीकेशन, हाँ साफ साफ लिखा था उन्होंने SDM सिराथू को जो है 145 की कार्रवाई करने के लिए हलफनामा से वहाँ से वो हुआ, और SO कोखराज के लिए जो है आदेशित हुआ। SO साहब जो है उस समय ज्ञान सिंह इंस्पेक्टर थे, वो कई बार मामले को जो है बुला करके जो है समझाना चाह रहे थे, वो करना निपटाना चाह रहे थे, लेकिन जो चौकी इंचार्ज थे वो चौकी इंचार्ज उन लोगों से पैसा ले करके और जो है इतना एप्लीकेशन तहसील दिवस में, थाना दिवस में, हर जगह जिला अधिकारी को एप्लीकेशन, कप्तान कौसाम्बी को एप्लीकेशन, लेकिन उसमें सिर्फ चौकी इंचार्ज ने कुछ नहीं होने दिया। कहना जो निचले स्तर पे जो है काला जो लीपापोती हो रही है ताकि सबूत मिट जाए और आगे मामला दफा दफा हो जाए, ऐसे ही कह रहे हैं जी। जब मकान में वहाँ विवाद हुआ जमीन और उसको लेकर के, तब हम लोग गांव से गए, 3-4 लोग गए उनकी पत्नी, क्योंकि हम वहीं थी बदवा में ससुराल में, वो भी गई, और वो भाई हमारे भैंस दूहने गए थे, उसमें जो है भैंस दूह करके जैसे आ रहे थे तो वो लोग जो है 10-15 लोग जो है परिवार के भी लोग थे जो है सारे लोग घेर लिए उनको, उन्होंने फिर भाग के दरवाज़ा बंद कर लिया। उन्होंने फ़ोन किया हमको, तो हम लोग 3-4 लोग वहाँ गए, जाने पर वहाँ जो है विवाद हुआ, तो हमने 100 नंबर को फ़ोन किया, हमारे पास इवन नंबर है जो हमने। आप बिल्कुल धैर्य रखिए, बहुत ही दुखद पल है आपको कहना पड़ रहा है, इतनी चीज़ बोलनी पड़ रही है, एक परिवार के भाई भतीजों की हत्या कर दी जाती है। वहाँ हमको भी मारे हैं। अच्छा, वहाँ जब झगड़ा हुआ है मकान में लेकर के, तो वहाँ हमको भी मारे, हमारे लड़के को मारे, और जो जो है वो है माही जो मृतक है जो है भाई की, उसको माही को भी उन लोगों ने मारा। हम लोग चौकी इंचार्ज में पूरा दिन चौकी में बैठे रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, अभी आ करके मैं बताता हूँ और समझौता कराता हूँ, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। हमारी पत्नी और हमारी सड़ुआइन और हमारा लड़का वहाँ थे अंदर,
और जो है ताला बाहर से बंद कर लिया गया, दरवाजे पर बार बार जो है कुल्हाड़े से मारा जा रहा था, उनको डरवाया जा रहा था कि हम दरवाजे को तोड़ डालेंगे, तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। तब हमने फ़ोन किया पुलिस को, एडिशनल साहब को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि तुम 100 नंबर फ़ोन करो। फिर हम चौकी इंचार्ज को फ़ोन किए तो वहाँ मौके पर पुलिस जाती है, पुलिस जा करके ताला खुलवाती है और चाबी उन लोगों को फिर दिलाती है, क्योंकि ऐसा करना चाह रहे थे कि ये लोग चले जाएं तो हम सारा सामान लूट लें यहाँ और मकान को कब्जा कर लें। आप मैं समझ सकता हूँ, देखिए अभी खाली करवा के कहा कि इसमें ताला बंद रहेगा, लेकिन ताला जो है जैसे उनका सामान बदवा गया उसमें ताला टूट करके वो लोग कब्जा करके रहने लगे। उसके बाद में भी प्रीति मेरी भयाहू जाती है और क्या नाम से राहुल की साली, दोनों लोग जाते हैं वहाँ, वो लोग भी झगड़ा करते हैं, उन लोगों को गाली गलौज करके वहाँ से भगा देते हैं। आपके क्या, आप उनकी बहन? दोस्तों जिनकी हत्या होती है वो उनकी बहन है ये, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। हाँ बताइए। मैं 14 को वहीं थी, यहाँ किराए पर जहाँ रहते थे वो नवाबगंज में। हाँ वहाँ ऐसा कुछ था नहीं कि जो लोग कह रहे हैं कि मतलब उनको तनाव था, ये था वो था, बहुत खुश थे। दो दिन पहले मना दो रहे हैं, पहले बर्थडे हुआ था उसका, 12 को हुआ था। ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन ये लोग अब कह रहे हैं कि तनाव से वो खुद ही किए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो व्यक्ति दो दिन पहले खुश है वो तनाव किस बात का? वो खुश थे, 14 तक तो मैं वहाँ थी, 14 को मैं अपने ससुराल गई थी। हाँ हाँ सब लोग दिन में, हाँ सब लोग गए थे। आप तो आप वहाँ मौजूद? हाँ, जन्मदिन वाले दिन मैं भी गई थी वहाँ पे। वहाँ पे सब कुछ सही था, कुछ वो नहीं था, सब कुछ अच्छे से हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। चाचा चाची और उनके बच्चे सब खुश थे, कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे लोग कह रहे हैं कि ऐसा था वैसे था, ऐसा कुछ भी नहीं था। अपने बेटियों को बहुत प्यार करते थे, मेरे चाचा थे वो मुझे बचपन से बहुत प्यार करते थे। जो अपने भाई की बेटी को इतना प्यार करेगा वो अपनी बेटियों के साथ ऐसा कुछ करेगा? राजा भैया से मिलने आए थे, क्या उम्मीदें हैं आपको, क्या आपके लिए किया जाए जो बेहतर रहेगा? जैसे बता रहे हैं कि छोटे स्तर पे जो है पुलिस मिली भगत कर रही है, न्याय मिले बस। कोई को हमारे तीनों बच्चों को न्याय चाहिए, हमको बस यही चाहिए कि हमको न्याय मिले, उनको इंसाफ मिले। क्षण है, पूरा परिवार भटक रहा है, 5 लोगों की हत्याएं हो जाती हैं, यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, महीने भर से ऊपर हो रहे हैं। इनका आरोप सीधे सीधे है कि नवाबगंज SHO जो है, इनका आरोप है, कहना है कि मामले को रफा दफा करने के प्रयास में है। 3 तो छा धारा लगा रहे हैं, उसमें सुसाइड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और विवेचना अभी चल रही है। अभी हो गई है, चल रही है। और इनको ये भी कहा जा रहा है इनको मिलने भी नहीं दिया गया वहाँ पे, जब वारदात हो अंदर सामान भी नहीं देख पाए। मैं गई वहाँ जब तो मुझको बाहर ही बैठा दिए थे, मुझको अंदर नहीं जाने दिए। इतना हाँ। बड़ा मुद्दा, पूरे उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल मच गई थी। 5 लोगों की निर्मम हत्या होती है प्रयागराज में, उसके बाद मामला 1 महीने हो रहे हैं, अभी भी पुलिस को ये ढूंढने में पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर हुआ क्या था। कहीं वो रिपोर्ट में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं सुसाइड था, तो परिवारजन का आरोप है कि वहाँ पर निर्मम हत्या प्रॉपर्टी के चक्कर में की गई है। इनकी मांग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच नहीं पा रही है, इसलिए राजा भैया जो कि जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनसे उम्मीद है इनको कि ये योगी जी से बात करेंगे, इनको न्याय दिलाएंगे। उम्मीद है इनको न्याय मिलेगी, परिवार भटक रहा है, आप समझ सकते हैं। शाम का वक्त हो रहा है, रामायण आवास के बाहर ही खड़े हैं, ये आए हैं कौसाम्बी से, कौसाम्बी से आए हैं नवाबगंज में, इनके भाई की और उनके भतीजों बच्चों, छोटे छोटे बच्चों, 2-2 साल, 4 साल, 6-6 साल के बच्चों की हत्या हो जाती है, और होती है और लूट होती है वहाँ लूट होती है, लूट का मामला है, लूट और हत्या, मतलब लूट के एक होता है लूटना और लूटने के साथ हत्या, दोनों चीज़ें वहाँ पे होती हैं। जमीन और मकान, 15-20 हुआ, जमीन और मकान को लेकर के विवाद हुआ। बगल में प्लाट जो खरीदे थे भारत से, पैसे से उन्होंने खरीदा था, उसको भी वो लोगों ने बंद कर लिया, ताला उसको भी कब्जा कर लिया, जो सामान उसमें रखा था उसको भी उठा ले। तो परिवार का कहना है कि लूट, हत्या और जमीनी विवाद को, अच्छा अच्छा ये देखिए साफ साफ इस फोटो में आप देख सकते हैं कि काफ़ी इसमें गहना इन्होंने पहना हुआ है, और इसमें ये कहा जा रहा है कि लूट हुई है, गहने गायब है सारे,
सारे गहने तो दिखाया नहीं गया कुछ हमको, वहाँ कुछ दिखाया, हम बार बार आपत्ति दर्ज कराई थी आपने कि हमारा सामान है। हमने कहा आपत्ति दर्ज कराई कि जो है हमको रिपोर्ट दर्ज हुई है, नहीं नहीं हुई, उसमें हम बार बार कह रहे थे, बोले जो ये जांच का विषय है, जांच करके जांच का विषय है, जांच का विषय है, लेकिन देखिए गहना है, ये गहने सारा गायब है और लूट की रिपोर्ट दर्ज नहीं होती, तो जवाब कौन देगा, क्योंकि वहीं पे गहने थे, गहने गए कहाँ, और लूट और प्रॉपर्टी और हत्या, ये तीनों चीज़ों को पुलिस जो है एक नया रूप देने का प्रयास कर रही है, इनका कहना है। हम चाहेंगे इनकी मांग जो है सरकार तक पहुंचे और परिवार को न्याय मिले। कोई मुद्दा होता है तो तुरंत तो हाईलाइट हो जाता है, बाद में वो निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाता, उसका कोई नतीजा नहीं निकल पाता। परिवारजन अभी भी डरे हो समय, योगी जी से मिलाया जाए, हम योगी जी से मिलने आए थे, लेकिन आज जो है सत्र के कारण नहीं मिले, उनके वो SD मिले थे, उन्होंने भरोसा दिलाया है हमें, और हम ये चाहते हैं कि योगी जी से हमारी मुलाकात कराया जाए और हम अपनी पूरी बात को उनसे कहें। ये दर्द है दोस्तों, ये देखिए बड़े भाई है उनके, इनका सीधे साफ साफ कहना है कि अपने मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, अपनी बातें बताना चाहते हैं, इनके साथ जो अन्याय हो गया है ये शेयर करना चाहते हैं। आशा करते हैं इनको जल्द न्याय मिलेगा, इसी उम्मीद के साथ जल्द ही आपसे हम अपडेट करते रहेंगे। बहुत आभार।